अल्लाम वरहमल तो आज हमारा सी टी एस का थर्ड टेस्ट था हमारी टेस्ट सीरीज़ का थर्ड टेस्ट था तो उस थर्ड टेस्ट में क्या क्या आया था हमारे दो चैप्टर्स थे जैसे लास्ट टाइम एटॉमिक स्ट्रक्चर था केमिकल बॉन्डिंग था तो इस टाइम दो चैप्टर्स थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स अब हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कल पेपर में आए थे तो हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 51 आपका क्वेश्चन नंबर 51 है ज्यूरिंग द एलेक्ट्रोलिस ऑफ एक्वस एन ए सी एलिंग जूरिंग द एलेक्ट्रोलिस ऑफ एक्वस एन ए सी एल सोलूशन द प्रोडक्ट फॉर्मड एट कैथोड इज द प्रोडक्ट फॉर्मड एट कैथोड इज देखो ब्यूटी क्या है आज एक, एक एक्स्ट्रा चीज हमने मतलब लाई है यहाँ पे इंट्रैक्शन सेशन में वो ये है कि सबसे पहले पेज नंबर एटी पे है और आपका पेज नंबर एटी डायरेक्टली आपके सामने है पेज नंबर 87 डायरेक्टली आपके सामने है जहाँ पे इलेक्ट्रोलिस ऑफ एक्वस ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है जूरिंग द इलेक्ट्रोलिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डायरेक्टली लिखा है तो क्या क्या लिखा है वो सब आप खुद भी पढ़ सकते हो मैं यहाँ पे सोलव करूँगा तो पेज नंबर एटी सेवन डायरेक्टली लिख के है जैसे यहाँ पर लिखा है शबाश यहाँ पे क्या बनता है यहाँ पे बनता है कैथोड पर बनता है एश टू देर फोर एट द रिएक्शन एट द कैथोड जूरिंग एलेक्ट्रोलिस इज दिस तो एच बनता है द आंसर इज एच लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे मैं तय स्लाइड कारण है ध्यान प्लस शवाश था सा ध्यान आप देखेंगे इसको अच्छा इस इलेक्ट्रोल एक्वस इलेक्ट्रो एक्वस मेरे पास है सबसे पहले मेरे पास फॉर एग्जांपल ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक को हम इसको हम मानेंगे दो मिनट के लिए पॉजिटिव इसको हम मानेंगे नेगेटिव शबाश तो यहाँ पे बीच में एक्वस एन है तो एक्वस एनए में एक तो एन पॉजिटिव एंड सी नेगेटिव है और दूसरा इसमें एक्वस मतलब एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव है अब क्या कैथोड की ओर जाने जाना है कैथोड की ओर जाने के लिए कंपटीशन है कंपटीशन कैसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाने के लिए कैथोड की ओर ये कैथोड ये एनोड कैथोड की ओर जाने के लिए मेरे पास कंपटीशन है बिटवीन एन पॉजिटिव एंड एच पॉजिटिव एन ए पॉजिटिव एंड एच पॉजिटिव के बीच में कंपटीशन है अब एन ए पॉजिटिव जाएगा या एच पॉजिटिव जाएगा दोनों में से कौन सा जाएगा कौन सा यहां सोल्यूशन में रहेगा वो देखेंगे वो मुझे पता चलता है एस आर पी वैल्यू से अगर आपको एस आर पी वैल्यू नहीं पता तो यहां पर एसआरपी वैल्यू एनसीआरटी ने दिया है हाइड्रोजन का तो जीरो होता है रेफरेंस है और सोडियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है माइनस टू पॉइंट सेवन वन या तो आप डायरेक्टली अगर आपको याद होगा हम लिखते हैं पी एस बी सी एम ए जड आई

है सोडियम का एसआरपी कम है हाइड्रोजन का एसआरपी सोडियम का एसआरपी नेगेटिव होता है इसीलिए कम है ओनली इन मेटल्स का पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन का एसआरपी जो है वो ज्यादा है अब दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हाइड्रोजन का तो दोनों कैथोड की और कैथोड पर होती क्या है रिडक्शन रेड कैट कैथोड पर रिडक्शन होती है दोनों रिड्यूस होना चाहते हैं कैथोड एच पॉजिटिव भी जाना चाहता है एन ए पॉजिटिव भी जाना चाहता है लेकिन एच पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है यानी कि उस रिडक्शन पोटेंशियल सिंपली मीन्स टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन एच पॉजिटिव की टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन ज्यादा है देन एन पॉजिटिव तो दोनों में चाहत ज्यादा किसकी है एच पॉजिटिव की है तो इसलिए एच पॉजिटिव एन पॉजिटिव को पीछे छोड़ेगा एच पॉजिटिव एन पॉजिटिव की ओर मतलब जीतेगा और एच पॉजिटिव जो है वो जाएगा डायरेक्टली कैथोड की ओर तो एच पॉजिटिव जब कैथोड की ओर जाएगा तो रिएक्शन बनेगी एच पॉजिटिव ये रिड्यूस होगा ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा हाफ ऑफ एच टू एट कैथोड हमें कौन सा गैस मिलता है

क्या मिलेगा कैथोड पे मुझे हाइड्रोजन गैस मिलेगा या हाँ इतना काफ़ी है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये न्यूमेरिकल है इसलिए एनसीईआरटी का कोई पोर्शन सिलेक्ट नहीं किया है लेकिन ये कहाँ पे लिखा है पेज नंबर 86 एंड 87 होगा पेज नंबर 86 एंड 87 पे ये क्वेश्चन है द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द यहाँ पेज नंबर 86 पे है पैराडेज लाज का पैराडेज लाप पे सवाल है ऑन कैथोड इफ जीरो एम्पियर इज पासड थ्रू एक्व सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर थाउजेंड सेकेंड्स तो मुझे मास डिपॉजिटेड देखना है तो मास डिपॉजिटेड के लिए देखने के लिए दो ला है एक ला जो है वो है फेरेडीज फर्स ला दूसरा है सेकंड ला मैंने आपको बोला है फर्स्ट ला सेकंड ला जैसे एन ने नहीं लिखा है फर्स्ट लाइस सेकंड ला लिखा है लेकिन मतलब हम फर्स्ट भी के पे पे भी सवाल यूज मतलब कोई भी इक्वेशन कोई भी सवाल होगा फर्स्ट ला भी यो लगा सकते हैं सेकंड ला भी लगा सकते हैं दोनों से सेम आंसर आएगा लेकिन यहाँ पे सिंस करंट एंड टाइम डायरेक्टली गेवन है मैं सेकंड ला यूज़ करूँगा सेकेंड लाइ इज़ एम इज इक्वल टू जड आई टी तो शबाश एम तो मुझे मास ऑफ कॉपर देखना है तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल एक्केवैलेंट जड जो होता है ये होता है शबाश किसके

4, तो 0.6354 डिवाइडेड बाय 2 सो द आंसर डायरेक्टली इज 0.635 डिवाइडेड बाय 2 तो डायरेक्टली m zt i गिवन t गिवन अब z निकालना है z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट z होता है किसके बराबर इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 96500 तो सही है अब निकालना है इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर इसका एटॉमिक मास गिवन है 63.54 डिवाइडेड बाय n फैक्टर इसका टू है तो ये इक्वेलेंट मास यहां पे सब कर लो आई गेवन टी गेवन आपको जड निकलेगा आपको एम निकलेगा तो निकलेगा मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड जो निकलेगा जीरो पॉइंट सिक्स थ्री फाइव डिवाइडेड बाई टू मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ तो ये ऐसा नर्नस इक्वेशन का सवाल है लेकिन डायरेक्टली कुछ ई एम एफ एम एफ नहीं पूछना है मुझे बस सेल रिएक्शन बनानी है तो सेल रिएक्शन कैसे बनाते हैं ये यह एनसीआर सेवेंटी टू पे ये नहीं लिखा है कि सेल रिएक्शन कैसे बनाते हैं लेकिन वहां पर एग्जाम्पल दे के जहाँ पे उसने सेल रिएक्शन बनाई है तो इसीलिए मैंने इसको पेज नंबर सेवेंटी टू लिखा है अब सेल रिएक्शन मुझे मुझे बोलो ए सॉलिड से बन रहा है ए टू पॉजिटिव और ए बी थ्री पॉजिटिव से बन रहा है बी तो इसका मतलब क्या है एट एनोड हम लिखेंगे दो रिएक्शन मतलब पहले लिखेंगे एनोडिक हाफ रिएक्शन फिर लिखेंगे कैथोडिक हाफ रिएक्शन फिर दोनों को ऐड करेंगे मुझे नेट सेल रिएक्शन निकलेगी तो ऐड कैथोड दूसरा है ऐड कैथोड एट एनोड एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन तो एनोड हम लेफ्ट साइड लिखते हैं यानी कि ए सॉलिड से बना है ए टू पॉजिटिव तो सीधे आएगा ए से बना है ए टू पॉजिटिव और दोनों में शाबाश ये दो इलेक्ट्रॉन देगा क्यों क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट टू एट दोज इलेक्ट्रॉन्स टू द साइड हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आएंगे एट कैथोड कैथोड पे रिडक्शन होगी बी थ्री पॉजिटिव से बी बन रहा है है. तो पॉजिटिव से क्या बन रहा है बी जब बी थ्री पॉजिटिव से बी बन रहा है तो इसका मतलब तीन इलेक्ट्रॉन इसके दो इलेक्ट्रॉन हम तब तक इसको एड नहीं कर पाते थे अगर आपको याद होगा नर्नस इक्वेशन में जब नेट से रिएक्शन निकालनी होती थी तब तक हम इसको एड नहीं कर पाते थे जब तक दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे अगर आपको सिचुएशन नहीं पता भूल जाओ रेडॉक्स में भी पढ़ते थे बैलेंसिंग में बैलेंसिंग में हम ऐड एनोडिक हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को तब ऐड करेंगे जब नंबर ऑफ आफ्टर मेकिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल सिंस यहां पे तीन इलेक्ट्रॉन यहां पे दो इलेक्ट्रॉन अब इसको इक्वल कैसे बनाएंगे अब इसको इक्वल कैसे बनाएंगे इक्वल हम बनाएंगे इक्वल हम बनाएंगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो ये इक्वेशन बनेगी थ्री ए से बना थ्री ए से बना थ्री ए टू पॉजिटिव प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन और ये इक्वेशन बनेगी सिक्स इलेक्ट्रॉन प्लस टू बी थ्री पॉजिटिव टू बी थ्री पॉजिटिव से बना टू बी अब दोनों को ऐड कर सकते हैं ऐड करने से नेट सेल रिएक्शन बनेगी या ओवरऑल सेट सेल रिएक्शन बनेगी तो जब ऐड करेंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स इलेक्ट्रॉन कैंसल ये आएगा थ्री ए प्लस टू बी थ्री पॉजिटिव गेज शाबाश थ्री ए टू पॉजिटिव प्लस टू भी आप देख लो कौन सी इक्वेशन है थ्री ए थ्री ए थ्री इसमें है तो ये आंसर आएगा थ्री ए प्लस टू भी थ्री पॉजिटिव प्लस थ्री ए टू पॉजिटिव प्लस टू भी तो सही ये वाला हमारा आंसर है शाबाश मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन देखो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी पे सवाल आता है ये लेड स्टोरेज बैटरी डायरेक्टली पेज नंबर 89 पे है तो मैंने लिखा है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग मैंने बस रिएक्शन उठाई है यहां पे ड्यू टू कम स्पेस पूरा पेज नहीं उठा पाया लेकिन इतने से मेरा सवाल सॉल्व होगा देखो लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन अगर आप लोगों को पता है एट एनोड ये रिएक्शन होती है पी बी प्लस एसओ फोर टू माइनस दो इलेक्ट्रॉन एट कैथोड पी बी ओ टू प्लस एसओ तो 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 कैथोड पे ये रिएक्शन होती है नेट सेल रिएक्शन यहां पे ये लेकिन अब दो सवाल यहां पे बनेंगे या तो लिखा है ज्यूरिंग यहां तो लिखा लिखा, लिखा होगा रिगार्डिंग चार्जिंग या तो लिखा होगा रिगार्डिंग डिस्चार्जिंग तो डिस्चार्जिंग के टाइम सेम रिएक्शन होगी यानी कि PbO2 से क्या बनेगा PbSO4 तो रिडक्शन ऑफ PbO2 बी ओ इंटू पी इसका डायरेक्ट आंसर है अगर चार्जिंग पूछेगा तो यहां पे लिखा है नीचे ऑन चार्जिंग द बैटरी यहां पे नीचे लिखा है ऑन चार्जिंग द बैटरी नीचे लिखा है ऑन चार्जिंग द बैटरी रिएक्शन इज रिवर्स एंड पी बी एस ओ फोर ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इंटू पी बी एंड पी बी ओ टू रेस्पेक्टिवली यानी कि रिएक्शन को रिवर्स करेंगे मुझे एनोड पे पी भी मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा पी बी ओ टू ये भी रिवर्स होगी तो पी बी ये भी रिवर्स होगी तो पी बी ओ टू मिलेगा तो ये है ऑन चार्जिंग लेकिन मुझे ऑन डिस्चार्जिंग यानी कि मुझे वही नॉर्मल सवाल पूछा गया है तो पी बी ओ टू से क्या बन रहा है पी बी एस ओ फोर पी बी ओ टू से पी बी एस ओ फोर बन रहा है ये इसका आंसर होगा फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव सी एच थ्री सी ओ सी टो तो हाँ यहाँ पे देख लो डायरेक्टली दो ही एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर की दोनों एन सी आर टी ने मैंशन की है एक है शबाश एसिडिक हाइड्रोलिस ऑफ एसिटर एसिडिक हाइड्रोलिस ऑफ एस्टर एसिटर प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड ये एसिड एंड अल्कोहल ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो सीधे बोला जाएगा ये सीधे बोला गया है ये कौन सी और रिएक्शन है ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे एक बात याद रखना अगर अल्कलाइन हाइड्रोलिस ऑफ एस्टर आएगा वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है वो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती है वो बात याद रखना तो इसका सीधे आंसर आएगा सीड ऑफ़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहां पे लिखा है पूरा लिखा है ये हम दो ही एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं फिफ्टी सिक्स फॉर ए केमिकल रिएक्शन इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम टेन डिग्री सेल्सियस टू तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो लिखा है एन टी पे पेज नंबर वन हंड्रेड ट्वेल्व पर लिखा है तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में सवाल मुझे आज आ गया है मुझे निकालना है कि रेट कॉन्स्टेंट कितने टाइम्स बढ़ेगा तो पहला टेम्परेचर मुझे क्यों है टेन डिग्री सेल्सियस तो मैं लिखूंगा के फोर्टी डिग्री सेल्सियस अपॉन के टेन डिग्री सेल्सियस मैं रेशियो निकालूंगा कितना आ जाएगा उतना टाइम्स ये बढ़ेगा देखो अगर आपको पता होगा मैंने आपको क्लास में बोला है दैट के टी प्लस टेन जब मुझे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना होगा के टी प्लस डेल्टा टी अपॉन के टी किसके बराबर होता है टू टू द पावर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टेन आपको पता है अगर आपको पता है तो यहां पे K40 तो नीचे है K10 यानी कि रेफरेंस यहां पे 10 है, 10 को 10 ही रखेंगे लेकिन इसको 30 प्लस क्या लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है गा? यहां तो सीधे अगर आपको यह नहीं पता तो सीधे लिखेंगे टू टू पावर डेल्टा टी मतलब इन दोनों का डिफरेंस फोर्टी माइनस टेन इज थर्टी डिवाइडेड बाई टेन तो जीरो

हाँ सही है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन हाँ ये भी पढ़ा है जितना एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतनी रिएक्शन हमने पढ़ा है एक ग्राफ पढ़ा है कि रिएक्टेंट जब हम पोटेंशियल एनर्जी अगर ये एक्जो है या एंडोथर्मिक है बाद में देखेंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ये एक्जो का ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट जब हम ग्राफ बनाते हैं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है और एक्टिवेशन एनर्जी कम करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन भी बढ़ जाती है रेट ऑफ डायरेक्शन भी बढ़ जाती है दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में बढ़ते हैं तो यहां पे बस इतना लिखा है जितना एक्टिवेशन एनर्जी कम उतनी रिएक्शन फास्ट होगी हाँ सही है देखो डायरेक्ट सवाल है कैटलिस डिक्रीज द गिब्स एनर्जी ऑफ ए सिस्टम मुझे बोलो मैंने आपको बार बार क्लास में बोला है कि यहाँ पे रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई ज़्यादा हुई उससे पाथ अल्टर हुई तो कोई भी स्टेट फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है उस को इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस कैटेलिस की वजह से पाथ फंक्शन पर फर्क पड़ेगा लेकिन स्टेट फंक्शन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा डेल्टा जी एक स्टेट फंक्शन है तो इसका मतलब है स्टेट

रिएक्शन ऑनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सुपॉन्टेनियस रिएक्शन को ये कैटालाइज करेगा वो रिएक्शन जो होगी उसको उसमें कैटेलिट का काम है वो रिएक्शन जो होगी नहीं उसमें कैटेलिस्ट एड करेंगे फर्क ही नहीं पड़ेगा ये भी एनसीआरटी ने लिखा है इट द सुपॉन्टेनियस रिएक्शन बट डज नॉट कैटालाइज नॉन सुपॉन्टेनियस रिएक्शन तो इसने यही लिखा है नॉट कैटालाइज नॉन सपॉन्टेनियस रिएक्शन तो ये भी सही है तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट इफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज तो अगेन सेम ग्राफ है अगेन सेम ग्राफ है वापस में आ जाऊंगा या वहीं पे बनाएंगे दूसरा ग्राफ में यहाँ पे बनाऊंगा शबाश ये है ओ, ये है एनर्जी ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट. तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसे आगे आएगा फॉर एग्जांपल ग्राफ ऐसे आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज 80 एंड फॉर द रिवर्स डायरेक्शन फॉर द फॉर एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन इज 120 तो 120 इसका मतलब क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो थोड़ा सा नीचे बनाएंगे तो ये इन दोनों की डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा एच यही डेल्टा एच मुझे निकालना है तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ये है इसको मैं लिखूंगा ई ए एफ और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन ये है इसको हम लिखते हैं ई ए बी और हम बार बार क्लास में पढ़ते हैं डेल्टा एच जो होता है वो किसके बराबर होता है शबाश वो किसके बराबर होता है वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स या तो बराबर होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए गेवन है एटी बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए गेवन है माइनस मतलब वन ट्वेंटी तो यह आएगा माइनस फोर्टी इसका आंसर आएगा माइनस फोर्टी अब आप बोलोगे बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड क्यों नहीं ये क्लास में पढ़ते हैं असल में डेल्टा एच जो होता है ये होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ये है रिएक्टेंट्स की एनर्जी और ये है प्रोडक्ट्स की एनर्जी ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स और यहाँ से यहाँ तक जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोर्ड एनर्जी तो वहां से हमें निकलता है कि थ्रेशोर्ड एनर्जी जो होती है एक तो वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ये यह है यहां से यहां तक है थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये है एनर्जी ऑफ ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स तो थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां से यहां तक एनर्जी एक तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और यही थ्रेशोर्ड एनर्जी अगर हम बैक साइड देखेंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ़ बैकवर्ड डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक ये प्लस ये सारा इसको भी हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन अब दोनों बराबर है ये भी थ्रेश ये भी थ्रेश तो प्रोडक्ट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड होता है बराबर रिएक्टेंट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड तो रिएक्टेंट्स इस साइड लाएंगे इसको इस साइड लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स किसके बराबर आएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन तो इसको हम डेल्टा एच बोलते हैं तो डेल्टा एच की फार्मूला आती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड मैंने प्रूव भी किया लेकिन अगर आप डायरेक्टली याद रखोगे फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड तो एटी माइनस वन ट्वेंटी माइनस फोर्टी आंसर फिफ्टीन 8 and 59. Standard electrode potential for this couple is ethna, and for this couple is ethna. These two couples, in their standard states, are connected to make a cell. तो दो कपल्स यानी कि दो मशावाश हाफ सेल्स दो हाफ सेल्स में कनेक्ट कर रहा हूँ दो इलेक्ट्रोड्स में कनेक्ट कर रहा हूँ एक ये इसका एक का रिडक्शन पोटेंशियल ये क्योंकि इसका प्लस थ्री प्लस ये थ्री प्लस थ्री टू थ्री प्लस थ्री टू जीरो प्लस थ्री टू जीरो जो है इसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज रिडक्शन प्लस थ्री टू टू प्लस थ्री टू टू अगेन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज अगेन रिडक्शन तो इसका मतलब है ये भी एस आर पी गेउन है ये भी एस आर पी गेन है ये देखना ज़रूरी है अब जब हम दोनों को सेल बनाएंगे तो मुझे पता है ई कैथोड माइनस ई एनोड या अगर मुझे ई नॉट गेवन है तो स्टैंडर्ड गेवन है तो ई नॉट सेल किसके बराबर होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड अब कैथोड एंड एन एनोड को करेंगे आइडेंटिफाई तो मुझे पता है हम पढ़ते हैं लोन एल ओ एन लोन यानी कि एनोड का एनोड का लोअर एसआर होता है कैथोड का हायर तो आप ऐसे भी लिखते थे अगर आपको याद होगा ई नॉट ऑफ हायर एस आर पी ई नॉट ऑफ हायर एस आर पी माइनस ई नॉट ऑफ ई नोट ऑप लोअर एस आर पी ईप लोअर एसआरपी मतलब जिसका हायर माइनस लोअर तो आप दोनों में हायर कौन है जीरो पॉइंट सेवन सेवन माइनस लोअर कौन है माइनस जीरो 0.74 तो ये आएगा 0.77 पॉइंट सेवन सेवन प्लस जीरो पॉइंट सेवन फोर तो सेवन प्लस फोर इज 11 सेवन सेवन फोरटीन प्लस वन इज फिफ्टीन तो ये आएगा वन पॉइंट फाइव वन इसका आंसर आएगा सीधे वन पॉइंट तो सीधे सवाल आएगा आया था कैथोड माइनस एनोड कैथोड मतलब हायर एनोड मतलब लोअर तो हायर माइनस लोअर स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इतना मोलर एच एन ओ थ्रीज इतना कंडक्टिविटी के गेवन है फिफ्टीन इंटू टेन टू पावर माइनस टू सेंटीमीटर इट्स मोलर मुझे लेमडा एम निकालना है मोलर कंडक्टिविटी तो हमने फॉर्मूला पढ़ी है के अपॉन एम इंटू थाउजेंड और ये फार्मूला वैलिड तब है जब के का यूनिट होगा साइवन सेंटीमीटर यूनिवर्स मैंने पढ़ाया है तो के का यूनिट अगर साइमन सेंटीमीटर है तब हम देखते हैं थाउजेंड जो है ये फिक्स्ड नहीं है, ये थाउजेंड चेंज हो सकता है कभी ऊपर कभी वो डिपेंड करेगा साइमन तो यहां परिटी मोलैरिटी है दो जीरो एंड टेन टू दावर माइनस टू कैंसिल तो ऊपर आएगा वन फिफ्टी नीचे आएगा जीरो पॉइंट फोर यानी कि मैं ऐसे लिखूंगा 150 के बाद ले 5, 1, 1500 डिवाइडेड बाय 4 अब 1500 डिवाइडेड बाय 4 कर लो 4 threes are 15 तो ये बने 4 threes are 12 ये बनेगा 30 4 sevens are 28 4 fives तो ये बनेगा 3.75 अच्छा इसने दिया है 3.75 सूईगोना थी 3.75 into 10 to the power 2 तो 3.75 इसका आंसर होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल

मतलब हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन तो हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस करेगा वो जिसका एस हाइड्रोजन से कम हाइड्रोजन का तो एस होता है जीरो तो ज़ीरो से कम किसका होगा यानी कि नेगेटिव किसका होता है मैंने अभी इससे पहले भी बोला हम ओनली पॉजिटिव वाले याद रखेंगे इससे भी मेरा काम हो जाएगा पॉजिटिव वाले हैं सी एच ए ए पी कॉपर मरकरी गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम तो यहाँ पे इनको छोड़ के फिर हाइड्रोजन उन इनको छोड़ के अगर कोई और ऑप्शन है उसका नेगेटिव होगा और नेगेटिव वाला हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस देगा तो मेरे पास गोल्ड है नहीं होगा सिल्वर है नहीं होगा क्योंकि ये छाप में आते हैं कॉपर है नहीं होगा तो बचा बचाओ मैग्नीशियम तो आंसर विल बी मैग्नीशियम 61, 62 सिक्सटी टू द रेट कॉन्सटेंट फॉर द रिएक्शन दिस इज इतना इफ द रिएक्शन इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इतना कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन देखो कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है मुझे गेवन है रेट रेट और कंसंट्रेशन में रिलेशन क्या है हम रेट ला यूज करेंगे रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द पावर एन टू दि पावर एन वायर एन इज ऑर्डर अब रेट मुझे एन एच फोर एनओ टू तो यह जो है यह रिएक्टेंट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है इसकी कॉन्सेंट्रेशन तब निकलेगी जब मुझे इस एन का वैल्यू पता होगा अब पावर क्या रखेंगे मुझे सी

कंसंट्रेशन ऑफ NH4 NO2 निकालना है वो सीधे आएगा 7.5 2.5 once, 25 125 3 इज द आंसर इज थ्री तो इसका आंसर सीधे आएगा थ्री यहाँ पे बस ये देखना है कि पावर क्या रखेंगे वो यूनिट से पता चला कि पावर 1 रखना है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर सवाल है ऑर्डर ऑफ द रिए पॉवर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्मस इन द रेट इक्वेशन तो दोनों को एड करेंगे ये सीधे आएगा यू गोड यू गो आइंट फाइवर होगा मोइंग नेक्स्ट वन फॉर ए सेल रिएक्शन इनवॉल्विंग टू टू इलेक्ट्रॉन्स ई नॉट सेल गेवन है इतना ई नॉट सेल मुझे गेवन है इतना ई नॉट सेल गिवन है इतना द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज मुझे इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड ई नॉट में क्या रिलेशन है के इज इक्वल टेन टू दावर एन ई नॉट डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन लेकिन इसने उसके बदले वहीं से बोला है जीरो पॉइंट जीरो फाइव यूज करेंगे एट टू नाइनटी एट क्या है पर ऐसे भी बोल सकते हो अगर आपको इक्वेशन पता नहीं है एनसीआर टी ने नहीं, नहीं लिखी है इतना पत, इतना तो पता है डेल्टा जी इज इक्वल लॉग लॉग के के तो डेल्टा जी नॉट के बदले लिखेंगे माइनस एन एफ ई नॉट तो माइनस एंड माइनस कैंसल तो यहाँ पे लॉग के किसके बराबर आएगा लॉग के आएगा बराबर शबाश एन एफ ई नॉट डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री तो के किसके बराबर आएगा इसकी बेस टेन ये जाएगा इधर चला जाएगा पावर में तो K आएगा टेन टू पावर एन एफ ई नॉट डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री असली एक्सप्रेशन यही है लेकिन एट 25 डिग्री सेल्सियस हम लोग पढ़ते हैं जो 2.303 और 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 क्या आ आ आ जाएगा और, भी आ जाएगा जाएगा भी भी जो टू पॉइंट आप लोगे क्या? तो वही मैंने लिखा टेन अपॉन ऊपर रखा एन ई नॉट नीचे रखा टू पॉइंट थ्री जीरो नीचे ऊपर चला जाएगा वापस एन

K का वैल्यू किसके बराबर आएगा 10 टू पावर n, n इन्वॉल्विंग टू इलेक्ट्रॉन टू एन इज टू नॉट E नॉट गिवन है कितना जीरो पावर ट्वेंटी आंसर इसका आंसर आएगा टेन टू दावर ट्वेंटी फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव इफ़ ई नॉट फॉर ए गवन से रिएक्शन हैज़ पॉजिटिव वैल्यू ई नॉट का वैल्यू है पॉजिटिव देन विच ऑर द फॉलोइंग इज स्ट्रूंग तो ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है तो so मैंने आपको बोला है डेल्टा जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो जो कभी मतलब नेगेटिव नहीं होगा ये पॉजिटिव ये तो पॉजिटिव होता ही है अब ई डेल्टा जी नॉट तब नेगेटिव होगा जब ई नॉट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव डेल्टा जी नॉट जो निकलेगा डेल्टा जी नॉट निकलेगा नेगेटिव तो डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो दो ऑप्शन है क्योंकि अगर ये पॉजिटिव निकला इसको जरूरी नेगेटिव होना पड़ेगा डेल्टा जी नॉट निकला अब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ट तो अगेन शबाश डेल्टा जी नॉट होता है बराबर माइनस आर टी या माइनस मैं ऐसे लिखूंगा 2.303 2.303 थ्री जीरो आर टी लॉक के तो यहां पे अगर आप लॉग के देखोगे वो किसके बराबर आएगा डेल्टा जी नॉट अपॉन माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन टू पॉइंट अगर आप के देखोगे इसकी बेस टेन ये जाएगा यहां ये चला जाएगा पावर में तो के किसके बराबर आएगा के आएगा बराबर टेन टू तो द पावर माइनस डेल्टा g नॉट अपॉन 2 टू द पावर 2.303 rt अभी भी सेम सवाल है बस उसमें एक एक्स्ट्रा चीज है डेल्टा g नॉट के बदले क्या था माइनस nf e नॉट बाकी वो सारा कुछ क्या था वो बाकी वो सारा सेम था तो अगर ये निकला था था सही को अगर डेल्टा g यहां पे हम तीन केसेस पढ़ते थे अगर डेल्टा g जी, 0 के आता है 10 टू द पावर 0 दैट इज 1 अगर डेल्टा जी जो है लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव है तो ये आ जाएगा टेन टू द पावर डेल्टा जी नॉट जो है नेगेटिव 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 पॉजिटिव ये बनेगा टेन टू द पावर पॉजिटिव टर्म एंड टेन टू द पावर पॉजिटिव टर्म मतलब ग्रेटर देन वन और अगर डेल्टा जी नॉट जो है ग्रेटर देन जीरो है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा क्या नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव टेन टू पावर नेगेटिव इज लेस देन वन तो यहां पे मुझे बोलो अगर ई नॉट पॉजिटिव तो डेल्टा जी नॉट क्या निकला नेगेटिव और इक्विलिब्रियम जब डेल्टा जी नॉट नेगेटिव तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या निकलता है लेस देन वन तो डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो डेल्टा जी नॉट लेस इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट निकलता है ग्रेटर दैन वन डेल्टा जी नॉट लेस लेसन जीरो और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट निकलता है ग्रेटर दैन वन इसका ना आंसर आएगा ऑप्शन सी सिक्सटी फाइव 66 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन विच इज़ करेक्ट अरे अगर आपको पता है टी हाफ किसके बराबर होता है शबाश यहाँ पे लिखा भी है फॉर एन की ये लाइन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो आर नॉट इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन तो इसका मतलब क्या है या मतलब इनिशियल रेट शबाश टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो आर नॉट अगर आप फार्मूला भी लिखोगे टी हाफ किसके बराबर होता है सी नॉट अपॉन टू के एंड टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट एंड सी नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स तो टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इनिशियल रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जिसको मैंने आर नॉट से रिप्रेजेंट किया है टी हाफ एंड सी नॉट के बीच में क्या रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन है तो इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू तो तो सी नॉट ये लिखा भी है यहाँ पे भी सीधे सेवन करेक्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आपने कोहरा पढ़ा है वहां पे एक इक्वेशन पढ़ते हैं एनसीआर पे लिख के अल्फा सीधे होता है लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन एट सम समट्रेशन डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इसका डायरेक्ट ये आंसर है डायरेक्टली एक्सप्रेशन पूछा है बस ये सीधे इक्वेशन थ्री पॉइंट टू सिक्स एनसीआरटी के पेज नंबर एटी फोर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पेज नंबर 84 इसने गलत लिखा है इसका पेज नंबर ये फेराडेज लाज का सवाल है इसका पेज नंबर गलत है द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 0.2 पॉइंट टू मोल ऑफ एम एन ओ फोर टू नेगेटिव टू एम एन ओ फोर नेगेटिव इज एम एन ओ फोर टू नेगेटिव टू एम एन ओ फोर नेगेटिव इज लेकिन कितना जीरो पॉइंट टू मोल तो एम एन ओ फोर नेगेटिव टू नेगेटिव से बन रहा है एम एन ओ फोर नेगेटिव क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड जब भी आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे क्यू इज़ इक्वल टू एन एफ सबसे पहले अगर एक मोल होगा सबसे पहले चेंज देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी प्लस सिक्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी प्लस सेवन तो चेंज अगर हम देखेंगे वो आएगा वन लेकिन ये कितने मोल्स है जीरो पॉइंट टू तो चेंज है वन जब एक मोल होगा सिंस ये जीरो पॉइंट टू है तो इसका मतलब क्या है चेंज आएगा जीरो पॉइंट टू यानी कि एन का वैल्यू आएगा जीरो पॉइंट टू तो ये आ जाएगा सीधे जीरो पॉइंट टू एफ का वैल्यू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो तो इसका मतलब है दो जीरो टू फाइव टेन टू सिक्स ट्वेल्व थर्टीन टू नाइन एटीन नाइनटीन एक के बाद पॉइंट तो आंसर आएगा 19300 कोलम इसका आंसर आएगा 19300 कोलम इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फेल्ड विद इतना मोलर केसीएल इस इतना रेजिस्टेंस आर गिवन है मुझे आर गिवन है मुझे कितना 90 ओम एंड कंडक्टिविटी के भी गेवन है कितना 1.41 पॉइंट फोर वन इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री ये भी गेवन है आपको क्या निकालना है सेल कॉन्स्टेंट तो एट लीस्ट इतना तो पड़ा होगा के इज इक्वल टू वन बाई आर एल बाई K इज़ इक्वल टू वन बाई आर एल बाई ए ये तो पढ़ा होगा वायर एल बाई इज़ कॉन्स्टेंट या वन बाई आर के बदले G भी लिख सकते हैं कंडक्टेंस भी लिख सकते हैं G एल बाई ए तो एल बाई ए किसके बराबर आएगा वो आएगा K इंटू आर सेल कॉन्स्टेंट ही निकालना है तो K का वैल्यू है वन पॉइंट फोर वन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई आ जाएगा नाइनटी तो आप मल्टीप्लाई कर लो ये जीरो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो नाइन वन जार नाइन नाइन फोर थर्टी सिक्स नाइन वन जार नाइन नाइन प्लस थ्री इज ट्वेल्व तो ये आ जाएगा ट्वेल्व एक मतलब कि दो के बाद पॉइंट मल्टीप्लाई बाय टेन टू पावर माइनस थ्री तो तीन डिजिट पीछे तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट वन टू सिक्स नाइन तो इसका मतलब ऑलमोस्ट जीरो पॉइंट वन थ्री तो इसका आंसर आएगा जीरो पॉइंट वन थ्री सेंटीमीटर इनवर्स ये सेल कॉन्स्टेंट हो द नंबर ऑफ़ फेराडेज रिकोयर टू प्रोड्यूस टू पॉइंट सेवन ग्राम एलोमियम फ्रॉम मोर्टन हिल्स नंबर ऑफ़ फेराडेज तो मुझे एफ़ निकालना है तो अगेन क्यो इजी कोट एन एफ यूज़ करेंगे शबाश अगेन क्यो इजी को टे एन एफ यूज़ करेंगे क्यो इजीक एन एफ यूज़ करेंगे अगेन लेकिन इस टाइम मुझे एफ नंबर ऑफ फेराडेज निकालना है तो मतलब एफ या एन जो भी है मतलब क्यो चार्ज निकालना है तो क्यों इजी कोट एन एफ ही यूज़ करेंगे अब मुझे एक बात बोलो कि मुझे एक बात बोलो मुझे गेहून है टू पॉइंट इससे पहले वाले सवाल में जो अभी हमने किया था उसमें डायरेक्टली मोज़ गेन थे तो इसमें अलमोनियम बनाना है लेकिन कहाँ से ए एल सी एल थ्री से बनाना है अलमोनियम तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो लेकिन चेंज जो है वो है थ्री इससे पहले अगर ये एक मोल होता तो चेंज है थ्री लेकिन ये कितने मोल्स है टू पॉइंट सेवन ग्राम्स अपॉन ट्वेंटी सेवन मास अपॉन मोलर मास ये बनेगा जीरो पॉइंट वन तो टोटल चेंज होगी थ्री मल्टीप्लाई एक मोल के लिए चेंज 30.1 मोस के लिए 3 0.1 वो आ जाएगा 0.3 तो क्यों सीधे होगा 0.3 एफ इसका आंसर डायरेक्टली होगा 0.3 आप ये अच्छा सवाल है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दो सवाल ऐसे है हैं एक एक बार नीट में आ चुका है इसके चांसेस है 7p1 इन टिपिकल फ्यूल सेल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर फ्यूल सेल इंपॉर्टेंट है तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हमारी इंपॉर्टेंट है एनसीआर ने वही लिखी है तो फ्यूल सेल में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्यूल सेल की रिएक्शन नीचे एनसीआर की रिएक्शन ये वन है कि इसमें प्रोडक्ट एच और ओ होता है और मतलब रिएक्टेंट एच एंड ओ होते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है एच तो आर इज एच टू एंड ये क्या है प्रोडक्ट है एच तो टिपिकल फ्यूअल सेल दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल ये फ्यूल सेल में क्या होता है रिएक्टेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है प्रोडक्ट जो होता है वो वाटर यहाँ पे याद रखना यह सेवेंटी परसेंट अबाउट सेवेंटी परसेंट यह पढ़ना पेज नंबर नाइनटी पे तो ये चीज़ पढ़ना क्योंकि ये सवाल भी आ सकता है इस सेवेंटी परसेंट पर मेरे दिमाग में आया था उस टाइम कि मैं इस पर भी एक सवाल बनाऊँ लेकिन फिर फ्यूल सेल पर दो सवाल ऑलरेडी आ चुके थे एक सवाल हम आगे भी देखेंगे शायद मैंने फिर दो सवाल डाले एक सवाल आगे भी देखेंगे तो सेवेंटी परसेंट इस पर भी सवाल बन सकता है इसको भी दिमाग में रखना 7172. Following limiting molar conductivities are given as follows. तो आपको क्या करना है? ये X गिवन है H2SO4, MgSO4, Y गिवन है और आपको इसका Z गिवन है. आपको निकालना है CH3COH. तो CH3COH का निकालना है. तो गिवन किस किस का है? CH3COO Holtwiss, Mg. इसका गिवन है? और किसका गेवन है एम जी एस ओ फोर पहले मैं लिखूंगा एच टू एस ओ फोर एच टू एस ओ फोर का गेवन है और गेवन है और गेवन है किसका एम जी एस ओ फोर का तो ये तीन स्ट्रॉन्ग का गेवन है वीक का निकालना है जिसका निकालना है उसमें सबसे पहले मुझे सी एच थ्री सी ओ ओ चाहिए तो सी एच थ्री सी ओ निकालने के लिए सी एच थ्री सी ओ ओ निकालने के लिए शाबाश सी एच थ्री सी ओ निकालने के लिए सी एच थ्री सी ओ निकलेगा मुझे यहां से लेकिन यहां से दो निकलेंगे इसलिए मुझे ये दो नहीं चाहिए इसका हाफ ही चाहिए क्यों क्योंकि मुझे दो सी एच थ्री सी ओ निकलेंगे मुझे इसका हाफ ही चाहिए तो इसका हाफ चाहिए तो सी एच थ्री सी ओ पार्ट तो निकलेगा लेकिन एक एम्पुरिटी आ जाएगी दैट इज हाफ ऑफ एम जी जो मुझे नहीं चाहिए तो यहां से और मुझे चाहिए एच एच मुझे निकलेगा यहां से लेकिन यहां से दो एच निकलेंगे तो ये भी हाफ यूज करेंगे लेकिन जब हम दो एच यहां से हाफ एक एच निकलेगा एस फोर मुझे नहीं चाहिए तो हाफ ऑफ एस ओ फोर इंपिरिटी है तो ये इन दोनों को एड करेंगे तो इम्पुरटी आ जाएगी हाफ ऑफ एम जी हाफ ऑफ एस ओ फोर तो हाफ ऑफ एम जी एस फोर माइनस करेंगे तो इसका मतलब है सी एच थ्री सी ओ एच की कंडक्टिविटी या इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर आएगी वो आएगी सी एच थ्री सी ओ ओ ओ होल्ड वाइस एम जी इसका मुझे हाफ ही चाहिए लेकिन इसमें हाफ से मुझे ये पार्ट तो निकलेगा

माइनस हाफ ऑफ एम जी एस ओ फोर माइनस हाफ ऑफ एम जी एस ओ फोर का गेवन है वाई तो जेड बाई टू प्लस एक्स बाई टू माइनस वाई बाई टू जड बाई टू प्लस एक्स बाई टू माइनस वाई बाई टू यह इसका आंसर होगा सेवेंटी थ्री द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज तो ये यह सीधे यहां से सवाल आ चुका है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग पावर पावर का ऑर्डर मुझे बताना है कौन कितना रिड्यूसिंग पावर किसका कितना रिड्यूसिंग पावर होगा जिसका जितना रिड्यूसिंग उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग पावर किसका कितना ज्यादा होगा अब मुझे बोलो मुझे क्या क्या क्यून है मुझे एक तो कॉपर मैं डायरेक्टली आप लिखूंगा कॉपर और ग्यवन है लेड और ग्यवन है जिंक और ग्यवन है ए इसका कितना ग्यवन है 0.34 पॉइंट प्लस इसका कितना ग्यवन है माइनस जीरो इसका माइनस जीरो इसका 1.40.

द रेड्यूसिंग एजेंट इन में सब्रॉग रेड्यूसिंग पावर किसका होगा जिंक का फॉलोड बाई क्या होगा फॉलोड बाई होगा फॉलोड होगा कॉपर एंड सबसे ज्यादा एसआरपी है इसका तो इसका मतलब क्या है फॉलोड बाई गोल्ड अब मुझे एक बात बोलो रिड्यूसिंग पावर देखो रिड्यूसिंग पावर इन में रिड्यूसिंग सबसे एसआरपी इस जिंक का कम है मतलब क्या जिंक की टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन कम है जिंक रिड्यूस नहीं होना चाहता है, लेकिन एक सेल में एक चीज को या तो रिड्यूस होना पड़ता है या तो अगर जिंक रिड्यूस नहीं होना चाहता है तो इसके पास ऑप्शन बचता है ऑक्सीडाइज होने का तो जिंक होगा क्या ऑक्सीडाइज अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा ये दूसरे को क्या करेगा रिड्यूस तो इसीलिए खुद ये रिड्यूस नहीं होना चाहता है खुद ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है इसलिए दूसरे को क्या करेगा Reduce. तो इसीलिए हम बोलते हैं लोअर मतलब कम खुद रिड्यूस कम होना चाहता है खुद ऑक्सीडाइज ज्यादा होना चाहता है और दूसरे को रिड्यूस करेगा क्योंकि जो खुद ऑक्सीडाइज होगा दूसरे को रिड्यूस करेगा तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा जिंक का है अगर की बात करेंगे, इसका एसआरपी सबसे ज्यादा एसआरपी सबसे ज्यादा मतलब टेंडेंसी टू अंडर गो रिडक्शन इन साबू में सबसे ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है इन साबू में सबसे ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है गोल्ड तो अगर वो रिड्यूस होना चाहता है वो दूसरे को क्या करेगा ऑक्सीडाइज तो गोल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पूछा जाता गोल्ड को हम बोलते हैं कि इन साबू में ऑक्सीडाइजिंग पावर गोल्ड का सबसे ज्यादा है लेकिन क्या पूछ रहे हैं शबाश रिड्यूसिंग पावर पूछ रहे हैं द आंसर इज अब गोल्ड में भी फिर मुझे देखना था कि ए यू थ्री है कि ए यू है वो बाद की बात है फिलहाल ऑर्डर ये आएगा आप सीधे याद रखोगे लोअर एस आर पी स्ट्रॉग ज द रेड्यूसिंग एजेंट तो लोअर एस आर पी जिंक का तो उसका वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अब इसके बाद फॉर द सेल रिएक्शन एन आई प्लस टू टाइम्स ए जी गिवस दिस ई नॉट सेल गेवन है द स्टेंडार्ड गिव फ्री एनर्जी अगर आप लोगों को याद है मुझे डेल्टा जी नॉट निकालना है डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट में क्या रिलेशन है माइनस एन एफ ई नॉट एफ का वैल्यू मुझे गेवन है कोलम्स में ई नॉट भी गेवन है मुझे चाहिए एन एन क्या होता है नंबर ऑफ मोड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन ए बैलेंसड केमिकल इक्वेशन तो हम क्या करेंगे हम एन आई हाफ रिएक्शन को अलग अलग करेंगे एन आई से बन रहा है एन आई टू पॉजिटिव और टू टाइम ए जी से बन रहा है टू टाइम्स ए जी दोनों में में से कहीं पे भी मुझे एन निकाल के दो देखो इसका ऑक्डेशन स्टेट जीरो इसका ऑक्डेशन स्टेट प्लस टू तो चेंज कितनी है दो तो इसका मतलब है एन यहाँ पे टू है तो यहाँ पे इसका ऑक्डेशन स्टेट प्लस वन इसका ऑक्डेशन स्टेट जीरो तो चेंज है वन लेकिन ये दो मोज है दो मोज के लिए चेंज आएगा टू इंटू वन तो आप ये टू कॉन्सिडर कर लो या ये टू यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है टू तो निकल ने दो मोल इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं ए जी ने दो मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इन्वॉल्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टू तो यह आ जाएगा माइनस टू इंटू एफ का वैल्यू आ जाएगा नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो इंटू ई नॉट गिवन है वन पॉइंट जीरो फाइव आप इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा ये कितना आ जाएगा जीरो जीरो या सीधे 96500 डबल जीरो तो यह आ जाएगा 00 ये 1.05 लिखेंगे 105 उससे दो जीरो ख़त्म तो टू फाइव 10, टेन टू सिक्स 13, ट्वेल्व थर्टीन टू नाइन ज़ार एटीन प्लस वन इज़ नाइनटीन तो माइनस वन थ्री नाइन जीरो इंटू वन हंड्रेड फाइव तो वन थ्री नाइन जीरो इंटू वन हंड्रेड फाइव तो माइनस तो आएगा ही और आंसर आ जाएगा शबाश मल्टीप्लाई कर लो वन थ्री नाइन ज़ीरो हंड्रेड हंड्रेड एंड फाइव तो जीरो फ़ाइव थ्री हज़ार फिफ्टीन फाइव नाइन हज़ार फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फाइव वन फाइव नाइन तो ये आ जाएगा ज़ीरो जीरो ज़ीरो एंड जीरो ये आ जाएगा ज़ीरो शबाश थ्री नाइन एंड वन ये आएगा ज़ीरो फाइव यह आएगा सिक्स यह आएगा टू यह आएगा ज़ीरो आएगा टू तो ये आ जाएगा माइनस टू जीरो टू सिक्स फाइव ज़ीरो इतने जूल क्योंकि हर कोई चीज़ एसआई SI यूनिट्स में ये मोल ये कोलम और ये वोल्ट एसआई SI यूनिट्स में आंसर भी जूल्स में निकलेगा तो किलो जूल्स में आ जाएगा माइनस टू हंड्रेड टू पॉइंट सिक्स फाइव जीरो किलो जूल्स तो माइनस टू हंड्रेड टू पॉइंट सिक्स फाइव किलो जूल्स एग्जैक्ट इसका आंसर आ जाएगा 74, 75, which of the following is used फॉर द galvanization ऑफ आयरन एन page number 91, पेज नंबर ये तो लेकिन छोटे बच्चों को भी पता है एट्थ में भी पढ़ते हैं इसका आंसर सीधे आ जाएगा जिंक एन पे भी लिखा है

बीच वाले हमेशा जब भी डिसप्रपोर्शनीशन आ जाएगा बीच वाले हम सिलेक्ट करेंगे डिसप्रपोर्शनीशन का मतलब क्या है इधर देखोगे आप मैं ए टू पॉजिटिव सिलेक्ट करूंगा तो इसका मतलब क्या है अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ए थ्री पॉजिटिव बनाएगा अगर ये रिड्यूस हुआ तो ये नहीं आ, अगर ये रिड्यूस हुआ तो ये बनाएगा पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसकी आ जाएगी एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू वन तो एक्स आ जाएगी शाबाश प्लस फाइव तो इसकी आ जाएगी x माइनस टू इक्वल टू टू तो x आ जाएगा प्लस फोर इसकी आ जाएगी सीधे प्लस थ्री इसकी आ जाएगी प्लस टू इसकी आ जाएगी ज़ीरो तो इसका मतलब क्या है अगर प्लस फोर से अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ए टू पॉजिटिव बनाएगा अगर रिड्यूस हुआ तो ए थ्री पॉजिटिव बनाएगा तो ये रिएक्शन तो अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो ये बनाएगा अगर रिड्यूस हुआ अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई तो ये बनाएगा ए थ्री पॉजिटिव तो इसका मतलब है ये कैथोड भी एक्ट कर सकता है एनोड भी एक्ट कर सकता है तो जब ये कैथोड एक्ट करेगा ये रिड्यूस होगा यानी कि इस ए पॉजिटिव से क्या बनेगा ए पॉजिटिव और अगर ये एनोड एज एनोड काम करेगा एज एनोड इसी ये ऑक्सीडाइज होगा तो एओ पॉजिटिव से बनेगा एओ पॉजिटिव ऊपर तो अब मुझे बोलो अब मुझे देखना है अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन तो अगर ये रिएक्शन हम सीधे देखेंगे अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टीनियस है क्यों? किसमें? इस क्योंकि इसमें ये ए जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्लस फोर है ये प्लस यहां पे क्या है प्लस थ्री है यहां पे क्या है प्लस फाइव है यही ए रिड्यूस भी हो रहा है यही ए ऑक्सीडाइज भी हो रहा है तो इस एक ही होती है हो रही है कि क्या डिसप्रपोर्शनेशन, लेकिन क्या ये डिसप्रपोर्शनेशन सपोंटेनियस है कि नॉन सपोंटेनियस? क्या ये खुद होगा कि खुद नहीं होगा इसके लिए हम हमेशा निकालते हैं ई नॉट सेल अगर ई नॉट सेल आ गया पॉजिटिव मतलब डेल्टा जी नॉट आ जाएगा नेगेटिव क्योंकि डेल्टा जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट तो हम बोलेंगे तो शॉर्ट में हम बोलेंगे कि अगर सेल e मेरा क्या आ गया अगर ई नॉट सेल मेरा क्या आ गया पॉजिटिव तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे शाबाश ई नॉट सेल मेरा अगर क्या आ गया पॉजिटिव तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन सपॉन्टेनियस है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम कैथोड की बात करेंगे जब ए ओ टू पॉजिटिव जीरो पॉइंट थ्री 0.34 और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये तो है अगर इसका हम यहां पे देखेंगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो कितना है वो है माइनस वन पॉइंट है माइनस नहीं वो कितना आ जाएगा सीधे वन ये है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस साइड से ये इसका है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये मतलब प्लस फाइव से प्लस फोर ये है रिडक्शन पोटेंशियल तो इस साइड ये इसका आ जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा हाँ इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा अगेन माइनस वन पॉइंट फाइव जीरो क्यों क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो अगर ये इस साइड भी जाएगा ये स्टिल रिडक्शन पोटेंशियल स्टिल मुझे रिडक्शन को ही कंसिडर करना है यह स्टिल माइनस वन पॉइंट जीरो ही रहेगा क्योंकि मुझे एस आर पी में ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड जब मैं यू

है, तो अगर मेरा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है डेल्टा नॉट क्या आ पॉजिटिव तो तो मतलब A, A, भी, भी बना सकता है क्यों क्योंकि उस टाइम इसका ई e नॉट सहलाता है पॉजिटिव और उस टाइम उसका डेल्टा जी नॉट आ जाएगा नेगेटिव यानी कि सुपॉन्टेनियसली अपने आप ये भी बनाएगा ये भी बनाएगा

जीरो पॉइंट थ्री फोर इसका केवन है प्लस जीरो पॉइंट थ्री फोर हाँ प्लस जीरो पॉइंट थ्री फोर और इसका केवन है माइनस जीरो पॉइंट टू सिक्स अगर मैं आप बोलूंगा शवाश अगर मैं बोलूंगा कि शवाश कि ये डिप्रपोर्शनेशन uh, रिएक्शन है तो असल में ए थ्री पॉजिटिव से ए टू पॉजिटिव भी बनना चाहिए और ए थ्री पॉजिटिव से ए टू पॉजिटिव भी बनना चाहिए ए टू पॉजिटिव भी बनना चाहिए क्यों क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री इसकी प्लस टू और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है प्लस फोर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर इसको हम बोलेंगे रिडक्शन इसको हम बोलेंगे क्या ऑक्सीडेशन तो अगर ये साइमल्टेनियसली हुआ वो मुझे कैसे पता चलेगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड ई नॉट कैथोड कैथोड मतलब जब मतलब जहां से रिडक्शन हो रही है तो रिडक्शन इस साइड हो रही है तो ये कैथोड आ जाएगा शबाष ई नॉट कैथोड और यह आ जाएगा ई नॉट एनोड तो इसका ई नॉट सेल आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट टू सिक्स माइनस क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री फोर तो सिंस दोनों माइनस है ये नेगेटिव में आंसर निकलेगा अगर ई नॉट नेगेटिव निकला इसका मतलब है डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आएगा रिएक्शन जो है वो नॉन सपॉन्टेनियस है तो अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अपने आप नहीं दिखाएगा शॉर्ट में इन क्वेश्चन में सवाल जब आएगा कि क्या यह डिस्प्रपोर्शनीशन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा हम सीधे करेंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड शॉर्ट में ये कैथोड क्योंकि इस साइड रिडक्शन हो रही है इस साइड ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये एनोड तो कैथोड माइनस एनोड पॉइंट थ्री फोर माइनस वन तो वह आ जाएगा माइनस माइनस वन वो आएगा वन पॉइंट थ्री फोर पॉजिटिव तो इसका ई e नॉट

यानी कि डेल्टा ई नॉट अभी भी नेगेटिव निकला डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव निकलेगा ये क्या है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है अच्छा सवाल है इस सवाल को फिर एक बार देखना स्टेटमेंट ये है सेवेंटी सिक्स ये है सेवेंटी सेवन डक्टिविटी इंक्रीजे स्लोली ऑन डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पेज नंबर 80 एंड 81 वन है with in concentration. Concentration, in को ही हम क्या बोलते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को मतलब का मतलब ही है क्या डायल्यूशन अगर कंसनट्रेशन कम हो गई मतलब डायल्यूशन बढ़ गया वही मुझे बोल रहा है इट इंक्रीजेस स्लोली ऑन डायलूशन फॉर स्ट्रॉन्ग स्लोली वीक एलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीजेस वीट इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीजेस शार्पली क्यों क्योंकि स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट में अगर आपको याद होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब हम डालते हैं वो जू ही डालते हैं पूरा डिसोसिएट होता है लेकिन डाइल्यूशन से मोबिलिटी ऑफ द आयंस बढ़ जाती है तो मोबिलिटी वाहिद एक रीजन है ओनली एक रीजन है जो मुझे बोलता है कि इसकी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब हमने डाला एक तो मोबिलिटी भी बढ़ेगी जब हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला ऊपर से डाइल्यूशन किया एक तो मोबिलिटी बढ़ेगी दूसरा मोबिलिटी के साथ साथ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा ओस वर्ड ला वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए

उिविटी डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। अगर हम डाइल्यूशन करेंगे कंडक्टिविटी कम होती है इलेक्ट्रोलाइट कंडी ऑलवेज डिक्रीजेसिटीज इन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनक्रीज इन डायल्यूशन बोथ फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यह स्टेटमेंट भी बना सकता है एग्जामर के मतलब क्या ये सही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट कंडक्टिविटी डिक्रीजेज फॉर

हम पढ़ते हैं के इज इक्वल टू जी एल बाई ए हम कहते हैं वैन द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोर्स इज वन सेंटीमीटर एरिया इज़ वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो जब लेंथ है वन सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया है वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो वॉल्यूम कितना है वन सेंटीमीटर क्यूब तो इसका इनडायरेक्ट मतलब है वॉल्यूम है वन सेंटीमीटर क्यूब तो जब वॉल्यूम वन सेंटीमीटर क्यूब होता है के जी के बराबर होता है यानी कि कंडक्टिविटी कंडक्टन्स होती है जब वॉल्यूम होगा वन सेंटीमीटर क्यूब दैट इज़ कंडक्टन्स पर सेंटीमीटर क्यूब या कंडक्टन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो एक यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टन्स जो होती है उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं अब अगर हम डाइल्यूशन करेंगे डाइल्यूशन करने से क्या होता है डाइल्यूशन करने से शबाश आयन्स दूर दूर जाएंगे डाइल्यूशन करने से द सेपरेशन बिटवीन द आयन्स विल इंक्रीज लेकिन एक यूनिट वॉल्यूम में अगर एक यूनिट वॉल्यूम में पहले एक यूनिट वॉल्यूम में पहले शबाश एक यूनिट वॉल्यूम में पहले थे फॉर एग्जाम्पल चार आयंस एक या पांच आयंस अब मैं डाइल्यूशन करूंगा क्या ये पांच आयंस पांच आयंस एक उसी यूनिट वॉल्यूम में रहेंगे आप तो ये दूर जाएंगे अब उसी यूनिट वॉल्यूम में ये तो दूर जा गया होगा दूर गया होगा दूर गया होगा अब उसी यूनिट वॉल्यूम में पांच के बजाय ओनली तीन रहेंगे तो पहले एक यूनिट वॉल्यूम में पांच आयंस थे अब उसी यूनिट वॉल्यूम में तीन आयंस है यानी कि पहले चार्ज कैरियर्स ज्यादा थे अब चार्ज कैरियर्स कम हुए अगर चार्ज कैरियर्स कम हुए तो कंडक्टेंस बढ़ेगी कि कम होगी कम होगी तो कंडक्टिविटी याद रखना द ओनली टर्म दैट डिक्रीज इज व डायल्यूशन हियर इज

By v, तो आएगा कि जितना वॉल्यूम ज्यादा ज्यादा उतनी मोलर कंडक्टिविटी तो वही मैं बोल सकता हूं कि अगर डाइल्यूशन करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है सो बोथ स्टेटमेंट वन इज एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट ये अच्छा सवाल है इसको फिर एक बार देख लेना एनसीआर पेज नंबर एटी एंड एटी वन पे रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इट द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूज दबाफ फोर ग्राम्स ऑफ ए रिएक्टन टू जीरो पॉइंट फोर तो इसको हम मानेंगे सीधे एम नॉट इसको हम मानेंगे एम टी शवाश एम टी यानी कि दिस इज़ इनिशियल मास दिस इज मास लेफ़्ट आफ्टर टाइम टी तो मैंने आपको बोला है एक रिएक्शन शवाश टी इज़ इक्वल टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के लॉग ऑफ सी नॉट ए नॉट अपॉन ए आप मैंने एन नॉट अपॉन एन बोला है मैंने एम नॉट अपॉन एम भी बोला है एम नॉट अपॉन एम टी भी बोला है तो के टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री के के का वैल्यू गिवन है 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री लॉग ऑफ एम नॉट एम नॉट मतलब इनिशियल मास वो है फोर एम टी मतलब कितना बचा 0.4 तो दिस वन आर दिस टेनज आर लॉग टेन मतलब वन तो जीरो कैंसिल टेन टू द पावर माइनस थ्री ऊपर बनेगा टेन टू द पावर थ्री तो ये बनेगा थाउजेंड द आंसर इज थाउजेंड सेकेंड सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन

देखो अगर आपको याद होगा और आ, असली रिएक्शन ये है तो अगर हम असली रेट इक्वेशन लिखेंगे रेट इक्वेशन हम लिखेंगे के इन टू ऑफ ओ थ्री का स्क्वायर इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओ थ्री ओ थ्री टू द पावर शबा के इंटू कॉन्सनट्रेशन ऑफ ओ थ्री या इसको भूल जाओ मैं डायरेक्टली यहां पे आ जाऊंगा ओ थ्री टू द पावर एन आ जाएगा मैं यहां पे आ जाऊंगा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है तो रेट जो होगा इससे ज्यादा ईजी हो जाएगा रेट जो होगा वो होगा के इंटू कॉन्सनट्रेशन ऑफ ओ थ्री इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओ टू द पावर वन टू द पावर वन क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लाप मास एक्शन के हिसाब से वही पावर चला चला जाता है जो उसका स्ट्राइकोमेट्रिक ओफिशंट होगा तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है यहाँ से रेट लिखा अब देख लो ओ थ्री जो है ओ थ्री ऊपर ओरिजिनल रिएक्शन में है लेकिन ओ ऊपर ओरिजिनल रिएक्शन में नहीं है तो हमें ओ o... इस इक्वेशन में नहीं चाहिए असली रेट इक्वेशन में मुझे ओ नहीं चाहिए क्यों क्योंकि ओ ऊपर ओरिजिनल रिएक्शन में नहीं है तो मुझे इस ओ को हटाना है इस ओ को हटाने के लिए मुझे सेकंड रिएक्शन गेउन होगी तो अगर हम मैं यहां पे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट मानूंगा K -E -K तो K -E -K constant, के ई क्यू तो के ई क्यों इक्लिब्रम कॉन्स्टेंट किसके बराबर आएगा कंसनट्रेशन ऑफ ओ टू कंसनट्रेशन ऑफ ओ डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ ओ थ्री तो मुझे लेकिन किसकी कंसंट्रेशन चाहिए मुझे ओ की कॉन्सनट्रेशन चाहिए तो यहां से कंसनट्रेशन ऑफ ओ किसके बराबर आएगा वो आएगा के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ थ्री डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओ टू मतलब डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ थ्री कंसंट्रेशन ऑफ ओ थ्री ये मल्टीप्लाई होगा ओ टू क्या होगा डिवाइड अब यही ओ यहाँ पे सब कर लो तो रेट किसके बराबर आएगी रेट आएगी के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ थ्री को मैंने हटाया नहीं छेड़ा नहीं ओ के बदले क्या लिखेंगे के इक्विलिब्रियम और लिखेंगे ओ थ्री और डिवाइडेड बाई ओ टू मतलब मैं लिखूंगा ओ टू टू पावर माइनस वन इसमें डिवाइडेड बाई ओ टू था मैंने लिखा ओ टू टू पावर माइनस वन के एंड के इक्विलिब्रियम दोनों इसके बदले एक बड़ा कॉन्स्टेंट लिखेंगे तो ये आएगा ओ थ्री वन प्लस एंड ओ टू माइनस वन अब चलेगा क्यों क्योंकि तो नहीं चलेगी क्यों क्योंकि इसमें ओ है जो मेरे कंट्रोल में नहीं आया जो ऑरिजिनल इक्वेशन में नहीं है तो इसका मतलब क्या है ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा सम ऑफ पावर्स तो टू प्लस माइनस वन टू प्लस माइनस वन इज टू माइनस वन एंड टू माइनस वन इज वन ऑर्डर of the reaction will be 1. ये हम पढ़ भी चुके हैं कि जो चीज रेट डिटरमाइनिंग सेटअप में वो उस चीज को करेंगे, उस चीज को हटाएंगे उस चीज को बाकी के बाकी से करेंगे, जो चीज, में नहीं है O3 था, इसको छेड़ा, छेड़ा नहीं लेकिन o, o नहीं था, तो ओ को सबसूट करना है सब करने के लिए ऊपर एक रिएक्शन गिवन है तो सपोज इसका इक्विब्रम कॉन्स्टेंट के एक इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम आएगा ओ टू ओ अपॉन ओ थ्री यहां से ओ निकालो ओ आएगा के इक्विलिब्रियम इन टू ओ थ्री ओ आएगा

concentration of A is double and rate becomes four times when the concentration of both A and B are double. The rate law of the equation is आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो लेकिन अगर आपको डायरेक्टली आइडिया नहीं आता है तो मैंने बोला था आपको हम पहली कंसंट्रेशन A1 वन मानेंगे बी वन और पहली रेट मानेंगे आर वन अब सवाल पड़ेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन इज डबल वेन द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल अब रेट ऑफ द रिएक्शन टू टाइम्स ए बी को छेड़ा नहीं रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हुई तो टू टाइम्स आर वन एंड रेट बिकम्स फोर टाइम्स वेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बेज बी इज डबल तो अगर ये भी डबल किया डबल लेकिन ऑरिजिनल का डबल बी को भी डबल किया औरजिनल का डबल इसको भी डबल किया तो रेट बन जाती है फोर टाइम्स आर वन तो आप मुझे क्या करना है मुझे अब क्या करना है मुझे अब क्या करना है मुझे अब शबाश रेट इक्वेशन या ऑर्डर जो भी है रेट ला बताना है तो मैंने आपको बोला है इसको हम मानेंगे आर वन इसको हम मानेंगे आर टू इसको हम मानेंगे आर थ्री मैंने बोला

के r2 के टाइम a की कंसंट्रेशन कितनी है टू टाइम ए वन टू पावर इसका पावर आएगा m क्योंकि असली रेट इक्वेशन है A टू पावर m मुझे इसी m का वैल्यू निकालना है ऑर्डर निकालना है इन टू के टाइम b क्या है b1 b1 का पावर आ जाएगा n डिवाइडेड बाय आप वैसे भी कर सकते हो ये मैं इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ क्योंकि कभी 1.5 पॉइंट फाइव टाइम टू पॉइंट टाइम्स बोलेगा यानी कि कभी यहां पे तो इजी है देख के ही बताना लेकिन कभी वो चेंज कर सकता है ऐसा वैल्यू देखा देगा कि आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा तो ये तरीका हमेशा काम आएगा तो R1 R1 के टाइम K तो K ही रहेगा क्योंकि K कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है तो R1 के टाइम ए के बदले क्या लिखेंगे ए टू द पावर एम और बी के बदले क्या लिखेंगे बी टू द पावर एन तो ये एंड ये कैंसल ये एंड ये कैनसल r2 के बदले लिखेंगे 2 टाइम्स r1 अपॉन r1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a1 टू द पावर m डिवाइडेड बाय a1 टू द पावर m a1 m a1 m कैंसल 2 2 कैंसल तो so, 2 निकला बराबर 2 टू द पावर m कंपेयरिंग द पावर्स या लॉग अप्लाई कर लो जो मर्जी है वो m का वैल्यू निकलेगा 1 तो so, इसका मतलब क्या है m मैंने पहले क्या रखा था a का पावर तो so, a का पावर निकलेगा 1 तो so, यहाँ पे 2 यहाँ पे 0 पे जीरो ये दो ऑप्शन पे ले ही बाहर चले गए a 1 a वन अब b निकालना है b निकालने के लिए मुझे क्या करना है b निकालने के लिए मुझे a को कांस्टेंट करना पड़ेगा a कांस्टेंट है यहां पे a कांस्टेंट है यहां पे यानी कि b निकालने के लिए मैं क्या करूंगा r 3 r 1 r 3 के बदले क्या लिखेंगे k k 3 r 3 के टाइम a के बदले क्या लिखेंगे 2 टाइम्स a 1 m b के बदले क्या लिखेंगे 2 टाइम्स b 1 n डिडेड बाई आर वन के तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा आर वन के टाइम नहीं आर टू करेंगे आर थ्री बाई आर टू क्यों क्योंकि ए यहीं पे कैंसल है कैंसल होगा ए यहीं पे सेम है तो टू टाइम ए वन टू दावर एम एंड यहां पे क्या आएगा शबाश आर वो टू के टाइम तो ये आएगा बी वन टू दावर एन आर टू के टाइम बी वन टू दावर एन तो के एंड के कैंसल ये एंड ये कैंसल आर टू इज फोर टाइम आर वन शबाश आर थ्री इज टू टाइम्स आर मतलब आर टू इज टू टाइम्स आर वन तो यहां पे आ जाएगा

अगर आप दूसरे तरीके से भी करोगे अपना लॉजिक लगाओगे वैसे भी आंसर आएगा लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि इस तरीके से टफ से टफ़ सवाल भी सॉल्व होगा मैंने पहले इनिशियल कंसंट्रेशन ए वन बी वन आर वन मानी इसके बाद सवाल पड़ा वो बोल रहा है ए को डबल करेंगे तो रेट डबल होती है फिर बोलता है दोनों को डबल करेंगे तो रेट फ़ोर टाइम्स होती है तो ये मुझे डेटा वहीं से गेवन है अब मैंने इसको R1 माना R2 माना आर तो मैंने सबसे बोला लेट रेट इक्वेशन बी रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर m क्योंकि रिएक्टेंट a एंड b है a टू द पावर m b टू द पावर n मुझे a एंड b का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले अगर मुझे m का a m एंड n का वैल्यू निकालना है अगर मुझे m का वैल्यू निकालना है तो b को करेंगे कॉन्स्टेंट n का वैल्यू निकालना है तो a को करेंगे कॉन्स्टेंट m का वैल्यू यानी कि a का पावर मुझे निकालना है तो b को करेंगे कॉन्स्टेंट b इन दोनों में कॉन्स्टेंट है तो आर टू बाय आर किया फिर मुझे एन निकालना है तो ए को करेंगे कॉन्स्टेंट ए इन दोनों में कॉन्स्टेंट है तो आर थ्री बाई आर टू किया एन निकला आर टू बाई आर वन से क्या निकला एम तो एम का वैल्यू b1 वन एन का वैल्यू b1 वन तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है मुझे रेट इक्वेशन निकलेगी रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी यह क्वेश्चन नंबर एटी वन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन

डेल्टा डेल्टा अपॉन तो माइनस वन बाई फाइव ये प्लस वन बाई थ्री वो स्ट्राइक्योमैट्रिक क्वेश्चन से जब डिवाइड करते हैं वो असली रेट बन जाती है तो हम ऐसे इक रेट इसको बोलते हैं या असली रेट जो भी आप बोलोगे अब मुझे एक बात बोलो मुझे क्या बता रहा है रेशो ऑफ डेट ऑफ अपियरेंस ऑफ तो मुझे निकालना है डेल्टा बी आर टू अपॉन डेल्टा टी उसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिस अपियरेंस ऑफ बी आर नेगेटिव दैट इज डेल्टा बी आर नेगेटिव अपॉन डेल्टा टी लेकिन डिसअपियरेंस बोल रहा है मतलब नेगेटिव तो आप मुझे बोलो यहां से इसको यहां पर लाएंगे इसको वहां पर लेंगे तो ये सीधे आ जाएगा थ्री बाई फाइव इसको यहां पे मतलब मैंने इस चीज को इस साइड डिवाइड किया माइनस के साथ तो इस थ्री को उस साइड लिया तो ये थ्री बाई फाइव आ जाएगा यानी कि इनका रेशो सीधे आएगा थ्री इज फाइव इनका रेशो सीधे आ जाएगा थ्री इज टू फाइव द आंसर विल बी क्या थ्री इज टू फाइव एटी टू एटी थ्री मैच द द द ऑर्डर ऑफ ऑफ विद यूनिट रेट तो डायरेक्टली एनसीआर का टेबल वहाँ पे वही टेबल बस थर्ड ऑर्डर मैंने एक्स्ट्रा एड किया है बाकी सेम अब मुझे बोलो जीरो ऑर्डर अगर जनरल जीरो ऑर्डर का होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड मोल पर लीटर पर सेकेंड यानी कि ए आएगा थ्री फर्स्ट ऑर्डर का होता है सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड इनवर्स यानी कि टू आ जाएगा वन सेकेंड ऑर्डर का होता है मोल माइनस वन लीटर तो सेकंड ऑर्डर का ये ये आएगा थर्ड ऑर्डर का यानी कि ए थ्री इसका सीधे आंसर आएगा ए थ्री बी टू सी वन यहां पर ऐसे भी बोल सकते हो ऑर्डर निकालते हैं ये यूनिट कैसे निकालते हैं जनरल यूनिट है मोल वन माइनस वन लीटर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स तो अगर एन है जीरो यानी कि जीरो ऑर्डर के लिए पुट कर लो जीरो बनेगा मोल वन माइनस जीरो इज वन लीटर जीरो माइनस वन इज माइनस वन सेकेंड इनवर्स तो बनेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड तो जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो एन का वैल्यू पुट कर लो वन का वैल्यू पुट कर 1 वन इज मोल इज़ 1 लीटर तो इज़ बचेगा ऐसे अगर का है है सपोज मुझे देखना तो मोल माइनस टू लीटर स्क्वेर सेकेंड तो वही है मोल माइनस टू लीटर स्क्वायर तो जनरल है मोल वन माइनस एन लीटर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स इसी में वैल्यू पुट कर लो एन का एन इज ऑर्डर सिलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी पेज नंबर 104। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी ऑर्डर इज एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शंस शबाष फॉर कंप्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलेरिटी हैज़ नो मीनिंग मॉलिकुलेरिटी कैन नॉट ब नॉन इंटीजर ये भी सही ये भी सही ये भी सही ये स्टेटमेंट ऑप्शन स्टेटमेंट टू इन करेक्ट स्टेटमेंट है एनसीआर टी लिखा है ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज रिएक्शन एज वेल एज कम्प्लेक्स रिए वही मालिकुलेरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शनज फॉर कम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिकुलेिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर कम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिकुलेरिटी हैज़ नो मीनिंग ये सही स्टेटमेंट है मॉलिकुलेरिरिरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिकूल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ वो हमेशा इंटीजर आता है तो नॉन इंटीजर नहीं हो सकता है तो ये स्टेटमेंट भी सही है ऑर्डर एक्सपेमेंटल क्वान्टिटी है ये भी सही है लेकिन ऑर्डर एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शन गलत है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कम्प्लेक्स रिएक्शन तो इसका मतलब क्या है है, इसका मतलब है शाबाश इसका ऑप्शन टू क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इफ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के टाइम रिक्वायर्ड फॉर नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट कंप्लीशन ऑफ द रियक्शन मुझे निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट अगर आपको याद होगा जब भी निकालना होगा टेक सी नॉट या ए नॉट जो भी बोलते हो ऑफ हंड्रेड और टेक सी टी इज इक्वल टू हंड्रेड माइनस एक्स मैंने आपको बोला है जब भी परसेंटेज में निकालना होगा तो टाइम का एक्सप्रेशन है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के लॉग ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी तो परसेंटेज में ऑलवेज सी नॉट हंड्रेड एंड सी टी ऑलवेज आ जाएगा हंड्रेड एक्स एक्स मतलब कितना परसेंट खर्च हुआ तो यहां पे एक्स इज 99.9 नाइन पॉइंट नाइन परसेंट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन तब जब मुझे TX निकालना होगा. तो परसेंट कर लो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस नाइनटी नाइन पॉइंट दैट इज जीरो पॉइंट वन तो अगर हम इसको टेन से मल्टीप्लाई करेंगे ये वन बनेगा इसको टेन से मल्टीप्लाई करेंगे ये थाउजेंड बनेगा क्योंकि टेन कैंसिल पॉइंट हट गया तो यह आएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के लॉग ऑफ थाउजेंड थाउजेंड इज टेन टू पावर थ्री तो यह आएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के एन टू लॉग एम टू पावर एन इज एन लॉग एम लॉग टेन का वैल्यू होता है वन तो ये सीधे आएगा थ्री इंटू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के थ्री इंटू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के ई एम एफ ऑफ द सेल इज नियरली अच्छा ई एम एफ नर्नस सिक्वेशन का सवाल है आपको ई एम एफ ऑफ द सेल निकालना है पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे तो मैं नर्नस इक्वेशन यूज करूंगा क्योंकि इफेक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑन ई एम एफ नर्नस इक्वेशन में दो चीजें इफेक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन एंड टेम्परेचर टेम्परेचर पर वैसे सवाल आएगा नहीं आएगा तो कॉन्सनट्रेशन पे आता है तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अगर कॉन्सेंट्रेशन गेवन है आपको ई एम एफ निकालना है आप नर्नस इक्वेशन यूज करते हो तो ई एम एफ किसके बराबर होता है ई e सेल किसके बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट एट टू नाइनटी जीरोन तो टू नाइनटी एट कैलिवेन जीरो पॉइंट अगर नहीं भी लिखा है तो अगर कुछ नहीं लिखा है तब भी हम जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन ही मानेंगे अपॉन एन लॉग ऑफ क्यों शवाश तो अब मुझे बोलो एक तो मुझे ई नॉट सेल चाहिए ई एम एफ निकालना है ई नॉट सेल आएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड देखो सेल में राइट right साइड ये है लेफ्ट साइड ये है तो ई आर माइनस ई एल या ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड पहले कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है जीरो ई नॉट सेल आ जाएगा सीधे जीरो पॉइंट थ्री फोर माइनस और ई नॉट एनोडन है माइनस टू पॉइंट सेवन थ्री ई नॉट सेल के बदले लिखा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन एन मुझे निकालना पड़ेगा एन कैसे निकालेंगे पहले रिएक्शन दो इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है सी यू तो सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है टू तो यहाँ पे एन का वैल्यू हम लिखेंगे टू अब दोनों रिएक्शन को एड करेंगे तो रिएक्शन बनेगी एम जी प्लस सी यू टू पॉजिटिव प्लस सी यू तो एन भी निकला और मुझे मुझे क्या करना है मुझे क्यों निकालना है क्यों आएगा कंसंट्रेशन ऑफ एम जी टू पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी यू टू पॉजिटिव क्यों क्योंकि ये सॉलिड इसकी कंसंट्रेशन वन ये सॉलिड इसकी कंसंट्रेशन वन तो इज इक्वल्टभाष एम जी टू पॉजिटिव मुझे गेहन है एम जी टू पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन दैट इज टेन टू द पावर माइनस थ्री जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन इज टेन टू द पावर माइनस थ्री एंड ये है टेन टू द पावर माइनस टू तो ऊपर आएगा टेन टू द पावर माइनस थ्री नीचे आएगा टेन टू द पावर माइनस टू आ जाएगा टेन टी पावर माइनस थ्री प्लस टू देट इजन टू दावर माइनस वन तो क्यों कितना आ जाएगा टू पावर माइनस वन तो यहाँ लॉग टेन अब मेरे पास स्पेस कम है मैं वहीं पे लॉग क्यों निकालूंगा क्यों निकला ये लॉग क्यों किसके बराबर निकलेगा लॉग ऑफ टेन टू दॉर माइनस वन दैट इज माइनस वन लॉग टेन लॉग टेन इज वन क्यों लॉग क्यों निकलेगा माइनस वन तो इसके बदले हम लिखेंगे माइनस वन तो इसको ऑलमोस्ट जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन के बदले लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो सिक्स ईजी के लिए तो टू वन जार टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री जार तो ये बनेगा दोनों को प्लस होगा तो ये बनेगा सेवन शबाश ये कितना बनेगा सेवन प्लस थ्री इज ये कितना जीरो पॉइंट थ्री फोर प्लस जीरो पॉइंट सेवन थ्री नहीं है जीरो पॉइंट थ्री सेवन है जीरो पॉइंट थ्री सेवन है थ्री सेवन है मैंने सेवन थ्री लिखा है सेवन प्लस फोर इज इलेवन थ्री प्लस थ्री इज सिक्स प्लस वन इज सेवन तो ये आएगा टू पॉइंट सेवन वन और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस जीरो पॉइंट जीरो थ्री जब आप ऐड करोगे ये फोर ये सेवन तो ऑलमोस्ट निकलेगा टू पॉइंट सेवन फोर तो टू पॉइंट सेवन फोर इसका आंसर है नर्नस इक्वेशन डायरेक्टली है इन हॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉक क्यू इलेक्ट्रोलाइट यूज इन बैटरीज़ पेज नंबर 89 आप खोलोगे आपको डायरेक्टली ये लाइन दिखेगी इन लेड स्टोरेज बैटरी ऑफ साल्फरिक एसिड इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट वो पहला ही है द आंसर इज थर्टी एट परसेंट ऑफ एच टू फोर फॉर्मूला ऑफ सेल कॉन्स्टेंट इज तो ये लिखा है एन पेज नंबर 78 पे कि जी जी स्टार या एल बाई ए सेल कॉन्स्टेंट होता है एल बाई ए होता है के आर के बराबर या आर के के बराबर द आंसर इज आर के सीधे या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे पास है कंडक्टिविटी होती है वन बाई आर एल बाई एल इज सेल कॉन्स्टेंट तो एल बाई ए किसके बराबर आएगा वो आएगा के आर और आर के दैट इज़ वन वन एट द सेम थिंग तो इसका आंसर आएगा के आर स्लोप ऑफ लॉग के वर्सेस वन बाई टी एन ने एल एन के वर्सेस वन बाई टी ग्राफ बनाया जिसका है जिसका स्लोप है माइनस ई अपॉन आर लेकिन मुझे लॉग के वर्सेस वन बाई टी ग्राफ प्लॉट करना है तो इक्वेशन क्या है इक्वेशन ये है लॉग के किसके बराबर होती है शबाश माइनस ए देखो एक असली इक्वेशन ये है एल एन के होता है किसके बराबर एल एन के होता है बराबर माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए तो जब हम एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 2.303 आएगा ये बनेगा लॉग यहाँ पे 2.303 आएगा ये बनेगा लॉग तो इक्वेशन बनेगी 2.303 से डिवाइड करेंगे माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर इंटू टी दैट इज वन बाई टी प्लस लॉग ए मैंने असल में 2.303 से डिवाइड किया टू पॉइंट तो असली इक्वेशन है माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर इंटू वन बाई टी प्लस लॉग ए प्लस लॉग ए प्लस लॉग ए तो आप मुझे एक बात बोलो शबाष एक बात बोलो इक्वेशन है अगर एनसीआर टी की इक्वेशन देखेंगे इक्वेशन है एल एन के इज इक्वल माइनस ये बाई आर टी प्लस एलन ए लेकिन उसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन यानी कि ये 2.303 अगर नहीं रखेंगे तो इसके बदले एल एन इसके बदले एल एन वही इक्वेशन है उसी का ग्राफ बना है अब ग्राफ बनाओ तो अब मुझे बोलो शाबाश लॉग के इसके बदले एल एन के बदले लिखेंगे लॉक के यहां पे है वन बाई टी यानी कि वाई एक्सीज पे लिया लॉक के एंड वन बाई टी पूरा लिया एक्स एक्स चीज पे तो यहां पे एम प्लस सी तो सी यहां पे कितना है सीधे लॉग ए और यहां पे एम कितना है माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो स्लोप कितनी है माइनस ई ए अपॉन तो यहां पे ग्राफ स्लोप ऊपर से स्टार्ट करेंगे यहां से यहां तक लॉग ए और इसकी स्लोप क्या है माइनस ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर अगर एल एन के वर्स एल वन बाई टी होगा तो स्लोप होती है ई ए अपन माइनस ई ए अपॉन आर लेकिन ये लॉग के वर्सेस वन बाई टी है तो स्लोप होगी

साइज ऑफ द आयन साइज इसने नहीं लिखा है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट वो नहीं लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लिखा है टेम्परेचर लिखा है ऑल ऑफ दीज द आंसर इज ऑल ऑफ दीज ये डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ देशर कंसंट्रेशन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एवरीथिंग रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट बिकम डबल विद एवरी टेन डिग्री सेल्सियस रेट कॉन्स्टेंट बिकम इज डबल यानी कि गामा का वैल्यू केवन है टू गामा का वैल्यू गिवन है टू शबाश देन द दे रेशो ऑफ टी फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड यानी कि मुझे निकालना है रेट रेशो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के फिफ्टी फाइव अपॉन के ट्वेंटी फाइव निकालना है तो अगेन गामा गिवन है टू टू तो दावर डेल्टा टी ट्वेंटी फाइव में से टिफ्टी फाइव में से ट्वेंटी फाइव हटा दो ये बनेगा थर्ट अपॉन टेन ये एक सवाल हमने ऑलरेडी किया ये दो सवाल सिंपल इसी पे है ये एंड ये कैंसल टू टू दावर थ्री इज एट तो मतलब रेशो क्या आ जाएगा रेशो आ जाएगा एट फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है के टी प्लस डेल्टा टी अपॉन के टी इज इक्वल टू गामा टू द पावर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टेन वायर गामा इज जनरली टू लेकिन कभी कभी वो थ्री थ्री भी हो सकता है लेकिन अगर कुछ नहीं गिवन है तब हम टू लेते हैं और हम लेंगे भी हमेशा टू ये होगा भी हमेशा टू क्योंकि एन सी आर टी कहता है कि रेट डबल्स लेकिन इसने वहीं से लिखा है रेट डबल्स तो गामा इज टू तो टू टू पावर डेल्टा टी अपॉन टेन डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज़ फिफ़्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव फिफ्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव इज़ थर्टी तो थर्टी t by 10 that is 3 to the power 3 is 8 Inverse of resistance is called ये simple बहुत simple कुछ questions थे ज़्यादा simple तो इसका मतलब सीधे resistance का inverse है conductance ये आप लोगों को वैसे भी पता है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गलवानिक सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिल्कुल सही इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी बिल्कुल सही इन ए गलवानिक सेल रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। बिल्कुल गलत इन एलेक्ट्रोलिटिक सेल रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड सही हम बोलते हैं हमेशा दिस इज ऑलवेज चाहे एलेक्ट्रोलिटिक सेल है चाहे गलवानिक सेल है रेड कैट एंड एनऑक्स एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पर हमेशा रिडक्शन एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही क्या था इन गैल्वानिक सेल रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड नो इट टेक्स प्लेस एट कैथोड कंसिडर द रिएक्शन टू ए प्लस बी द रेट ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन ये मुझे ये नहीं कह रहा है कि रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ ए ये नहीं कह रहा है रेट ऑफ द अपियरेंस ऑफ बी ये कह रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन तो इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन दो तरीकों अगर हम एक और रेफरेंस मानेंगे देखो इसमें अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे इक्वेट कैसे होगा माइनस वन बाई टू डी अगर डी लिखा है अब मैं भी लिखूंगा डी डी ए बाईन रेट लिखी है सी दे तो इसकी रेट जो होगी या तो मैं बोलूंगा डी बी बाई डी टी या तो मैं बोलूंगा माइनस वन जब रेट ऑफ द रिएक्शन ये डिफाइन नहीं किया होगा कि अपीयरेंस किसी का है कि किसी का डिसपियरेंस डायरेक्टली रेट ऑफ द रिएक्शन तब हम स्टाइकोमेट्रिक ऑप्शन से डिवाइड करते हैं तो इसका विद रेस्पेक्ट टू ए पूछा गया है तो ए रिएक्टेंट है तो ये आएगा माइनस डी ए बाई डी टी लेकिन विद अगर हम रेट ऑनली ये एक की रेट नहीं पूछ रहा है बी की रेट नहीं पूछ रहा है ये रेट ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है तो उस टाइम हम स्टाइकोमेट्रिक ऑप्शन से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा माइनस डी बाई टू डी टी अगर डीबी बाई डी टी भी होता वो भी इसका आंसर था द रेट कॉन्स्टेंट नाइनटी फोर नाइनटीटी फोर नाइन्टी थ्री सही फोर नाइनटी फाइव द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन रेट कॉन्सटेंट है एस इक्वेशन पढ़ी है के इज इक्वल टू ए ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी सो इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर या अभी दो सवाल किए भी हैं फॉर एवरी टेन डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट डबल्स तो वो सवाल किया गया है रेट कॉन्स्टेंट हमेशा किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर द आंसर इज टेम्परेचर ये हम पहले भी पढ़ाते हैं इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन आपको अगर कंसंट्रेशन पे ये कभी डिपेंड नहीं करता है ये पहले भी पढ़ाते हैं तो इसका मतलब सीधे ही डिपेंड्स अपॉन टेंचर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ आर दाफ रियक्शन एसआरपी रिडक्शन पोटेंशियल यस तो इसका पोटेंशियलआरपीवन है इसका एसआरपीवन है इसका एसआरपीवन है इसका एसआरपी केव है द द फॉलोइंग इज स्ट्रॉगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑलरेडी एक बार एक सवाल किया है स्ट्रॉगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा लोअर द एसआरपी जिसका एसआरपी कम होगा उसकी टेंडेंसी टू अंडर गो रिडक्शन कम

क्या बोल रहा है आफ्टर सिक्सटी फोर डेज वन ग्राम ऑफ द सैंपल विद रिड्यूस्ड तो मैं मतलब सीधे दिमाग में मुझे आ गया मुझे बोलो ग्राम ऑफ द सैंपल कितना बनेगा आफ्टर डेज डेज अगर हाफ लाइफ है तो हमने एक चीज पढ़ा है अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस लेफ्ट आफ्टर लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ एन हाफ लाइव वो होता है किसके बराबर वन अपॉन टू टू पावर एन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लेफ्ट सी नॉट अपॉन टू टू power एन सी नाट यहाँ पे वन गिवन है इसलिए मैंने वन लिखा है नमो अमाउंट ऑफ अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइव इज सी नॉट अपॉन टू टू दॉर वन तो सी नॉट गिवन है वन तो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 64 डेज अगर हाफ लाइफ है 16 डेज तो एक हाफ लाइफ 16, 32 होंगे दो हाफ लाइव 64 होंगे चार हाफ लाइव तो मुझे अमाउंट लेफ्ट आफ्टर फोर हाफ लाइव निकालने तो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर फोर हाफ लाइव्स निकालना है तो सी नॉट गिवन है वन वन अपॉन टू टू पावर फोर तो आएगा वन अपॉन सिक्सटीन द आंसर इज वन अपॉन सिक्सटीन ग्राम सी नॉट अपॉन टू टू पावर यानी आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो अगर हम वैसे करेंगे दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं मैं आपको लिखूंगा शबाश मुझे गेवन है हाफ लाइफ गेवन है तो टी हाफ मुझे गेवन है शबाश सिक्सटीन तो टी हाफ इज जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अप के ये गेवन है सिक्सटीन लेकिन ये लंबा तरीका है यहां से निकलेगा के अगर के निकला अब मुझे क्या निकालना है अमाउंट लेफ्ट आफ्टर सिक्स डेज तो टी इज इक्वल टू पॉइंट के लॉग ऑफ सी नॉट सी नॉट गेन है अपॉन मुझे निकालना है अमाउंट निकालना है एम टी निकालना है तो टी का वैल्यू मुझे गेउन है सिक्सटी फोर डेज टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अप के का वैल्यू यहां से निकला होगा सबस करेंगे लॉग ऑफ वन अपॉन एम टी तो तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल बचा एम्टी यहाँ से एम्टी निकलेगा लेकिन उससे बेटर है अमाउंट लेफ्ट 64 मतलब फोर हाफ लाइव्स यानी कि अमाउंट लेफ्ट आफ्टर फोर हाफ लाइव्स टू सी नॉट अपॉन टू टू द पावर n यानी कि 1 अपॉन 2 टू द पावर 4 दैट इज 1 अपॉन 16 ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं ये आ गया 70, 97, ये आ गया 98. एट हाइड्रोलिस ऑफ केन शुगर अभी एक सवाल हमने ऑलरेडी किया सीड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में एन ने दो रिएक्शन उन्होंने तो इन एसिडिक मीडियम अगर एसिडिक हाइड्रोलिस ऑफ एस्टर होगा ये भी सीड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होती है hydroly, ये इनवर्जन ऑफ केन शुगर या हाइड्रोलिस ऑफ शुगर केन या हाइड्रोलिस ऑफ शुगर केन जो होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ये सीड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है एन पेज नंबर वन पे लिखा है द आंसर इज सीड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन in a mercury cell product formed at anode is मर्करी सेल प्रोडक्ट फॉर्मेट एट 89 पे मरकरी सेल पे एनोड पे बनता है ZNO solid, water, and, मतलब ये कैथोड पे बनता एच जी लिक्विड तो मुझे बोल रहा है कि एनोड पे क्या बन रहा है जड एन सॉलिड पूछता थे, ह, क्या पे क्या बन रहा है एच जी लिक्विड ये एनसीआर का भी सवाल है डायरेक्टली उठाया गया है तो ये सवाल यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा जड एन सॉलिड

रिएक्शंस होती है ऑल सरफेस रिएक्शंस तो नहीं कह सकता लेकिन मैं बोलूँगा सरफेस रिएक्शंस आर जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस तो ये सरफेस रिएक्शन है प्लैटिनम सरफेस पे हो रही है जीरो ऑर्डर लेकिन एनसीईआरटी ने ये एग्जाम्पल देखी है लिखी है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा थैंक यू तो इससे हमारा आज का पेपर बहुत अच्छा पेपर था काफी मेहनत लगती है पेपर पे तो आई होप आप लोगों को लगता होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं हमारे पेपर में जो हमारे पेपर में जो मतलब मैं अपना केमिस्ट्री पेपर मैं बनाता हूँ तो केमिस्ट्री पेपर में जो आता है वह ऑल एवरी थिंग इज़ एन सी आर टी बेस्ड जो थेरेटिकल सवाल है वो डायरेक्टली एन सी आर टी पढ़ के बनाए जाते हैं जो न्यूमेरिकल सवाल है कोई ख़ुद से बनाए जाते हैं कहीं कह, कोई कहीं से उठाते हैं सवाल मतलब वैल्यू उठाते हैं साइज दैट कैलकुलेशन ईजी हो जाए लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन खुद से बनाता हूँ मैं तो अगर आपको दिख मतलब लगा कि आपको टेस्ट सीरीज़ से फ़ायदा आ रहा है तो बेटर है कि सभी लोगों को बोलोगे आप दूसरा है कि सीधे क्वेश्चंस उठा के वहाँ पे डालोगे किसी ने वही बुक सॉल्व की होती है तो उसको डायरेक्टली 700 में से 700 आते हैं 720 ट्वेंटी आउट ऑफ उसको 680, 650, 670 आते हैं कि उसने उसने वही बुक सॉल्व की होती है लेकिन यहाँ पे टिपिकल एन बेस्ड टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है तो आई होप आप लोगों को कम से कम टेस्ट दे के फ़ायदा आ रहा होगा कुछ चीज़ें इंसान स्किप करता है यहाँ से इन क्वेश्चन में क्वेश्चन से आपको ये तो पता चला होगा कि कौन सा चीज़ स्किप कर सकते हैं कौन सा चीज़ स्किप नहीं कर सकते हैं वो भी पता चलता है चलो बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट में इंशाल्लाह मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज थैंक यू दुआ इज़ करन दुआ इज़ इम्पोर्टेंट दुआ किया करना अल्लाह हाफिज़